सर्वर एनवायरनमेंट के अंदर, तो हमें एग्जाम में जाना पड़ेगा, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर एक वेब पेज क्रिएट करना पड़ेगा पीएचपी की हेल्प के साथ। आ जाए ये सारे काम अभी करते हैं। यहां पर चलते हैं, एग्जाम को ढूंढते हैं। एग्जाम में जाने के बाद एसटी डॉक्स में जाते हैं। एसटी डॉक्स में जाने के बाद यहां पर न्यू करते हैं। पीएचपी वन के नाम से एक क्लास बना लेते हैं। अपने प्रोजेक्ट का नाम ही पीएचपी वन रख दिया मैंने। भैया आप जो मर्जी रखते हैं प्रोजेक्ट का नाम, पीएचपी वन। ओके हो गया। मैं नोटपैड में आया, मैंने सब कुछ यहाँ पे क्लोज करता हूँ। अपना कोड स्टार्ट करना चाहता हूँ पीएचपी का। आज पीएचपी को एचटीएमएल में कैसे इस्तेमाल करते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं, साथ भी कर सकते हैं, साथ सबसे बेस्ट होता है। डॉक टाइप सबसे पहले आप मेंशन करते हैं ऊपर, डिक्लेरेशन टाइप होती है आपके एचटीएमएल की। फिर आप एचटीएमएल का कोड लगाते हैं यहाँ पर, एचटीएमएल 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 को क्लोज करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर फिर आप हेड लगाते हैं, फिर हेड को आप क्लोज करते हैं। फिर हम बॉडी लगाते हैं और बॉडी को यहां पर क्लोज करते हैं। तो सेव करना है ई के अंदर जाके, एग्जाम्प में जाके, एचटी डॉक्स में जाके, पीएचपी के पहले प्रोजेक्ट में जाके इसका नाम रखते हैं index.php। क्या नाम रखते हैं? index.php। फॉर एग्जाम्पल पहली फाइल बनाई मैंने, नाम रखा इंडेक्स। भाई फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है आपकी प्रोजेक्ट की मुताबिकत से, अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट आप कोई भी नाम फाइल का सेट कर सकते हैं जिसकी जरूरत पड़े। मैं आपको दिखाऊंगा नाम। पहली फाइल का नाम हमेशा index.php रखें, जो पेज आप सामने शो करवाना चाहते हैं, जो आपका पहला पेज होगा, जस्ट लाइक अ होम पेज आप कह लें, उसको आप इंडेक्स का नाम देंगे। हेड में आते हैं, टाइटल लगाएं, टाइटल को क्लोज करें, टाइटल दे दिया। बॉडी में आ जाएं, H1 लगाएं, H1 को क्लोज करें, भी लिख दें। अब मैं क्या स्टार्ट करने लगा हूं, पीएचपी का कोड। अपनी एचटीएमएल के अंदर कहीं भी कभी भी आप पीएचपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ऐसे पीएचपी आपकी स्टार्ट होती है और ऐसे पीएचपी आपकी क्लोज होती है। कोड बिटवीन दीज टू ब्रैकेट्स कॉल्ड पीएचपी स्टेटमेंट्स। इनके स्टार्ट और क्लोज का जो दरमियानी हिस्सा है वो आपका स्टेटमेंटल हिस्सा है। यहाँ पे आप कोई भी स्टेटमेंट लिख के उसको वर्डप्रेस इसके अंदर सॉरी एग्जाम के अंदर देखते हो, एक्सेस करते हो। आज पीएचपी के अंदर वेरिएबल कैसे बनाया जाता है आपको पता है, जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है तो उसमें वेरिएबल का कंसेप्ट होता है। वेरिएबल क्या है?
नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, किसी भी मेमोरी लोकेशन का आप नेम डिफाइन करते हैं ताकि ये डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को होल्ड करें। अभी ये वैल्यू है, इसके बाद कुछ और आ जाएगी, इसके बाद कुछ और आ जाएगी, इसके बाद कुछ हो जाएगी। डायनेमिक कंटेंट कह लें जिस तरह आपका डायनेमिक कंटेंट हो, डायनेमिक वेरिएबल भी बोल सकते हैं इसको। अच्छा, एक वेरिएबल क्लियर क्रिएट करते हैं, डॉलर साइन ए, इसका मतलब है मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया डॉलर साइन ए के नाम से, असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके उस वेरिएबल में क्या रखवा दिया, बोलो बोलो, वेरिएबल में क्या आ गया, वही ए के वेरिएबल में 10 लिखा आ गया, 10 आ गया, 10 आ गया। डॉलर साइन बी का वेरिएबल बनाएं, इसमें 30 रखवा दें। ए जमा डॉलर साइन बी, डॉलर साइन सी लगाएं या रिजल्ट के नाम से बनाएं, उसमें आ जाएगा आपका सी। देन सी को देखने, इको डबल कोट्स में जो लिखोगे एज इट इज प्रिंट होगा, क्या लिखने लगाऊं, जो सिंगल कोड के अंदर लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट होगा। मैं इसको अभी नहीं लिख रहा, ये लो मैंने सिर्फ डॉलर साइन सी लिख दिया, सिंगल कोड या डबल कोड में नहीं लिखा। सेव करने के बाद भाई इस पेज को एक्सेस कैसे करना है, ये तो एग्जाम के अंदर सेव हुआ पड़ा है। आप जाएंगे एग्जाम में पीएचपी 1 में जाएंगे, ओपन कर लें, ओ ये तो नोटपैड की फाइल है, इसको ब्राउजर में कैसे ओपन करें, हम एक्सेस करें ब्राउजर में, लोकल होस्ट कैसे एक्सेस करना है, जिस तरह वर्डप्रेस की वेबसाइट को एक्सेस करते थे, लोकल होस्ट स्लैश पीएचपी 1 मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। लो जी, आप भी इस तरह अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख के एक्सेस करेंगे लोकल होस्ट के बाद। 40 लिखा नजर आ रहा है आपको, जी सर जी आ रहा है, आउटपुट ठीक आ रही है, 30 और 40 है, 30 और 10 है, जी सर। चेंज करते जाएं जी इसको, कुछ भी कंटेंट चेंज कर दें, आपकी आउटपुट चेंज हो जाएगी। 310 है, इस 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, तीन सौ आ जाएगा, डिवाइड करेंगे पॉइंट में आ जाएगा, माइनस करेंगे -20 आ जाएगा, मतलब आउटपुट तो ठीक आ रही। बस पीएचपी का कंसेप्ट ही खत्म हो गया आपका, इतना ही तो पीएचपी शुरू करना था आपका। सर जी पीएचपी एच जी सर थोड़ा नेट का इशू आ गया था, ये थोड़ी सी लोकल होस्ट की सेटिंग बता दें सर, वो फोल्डर कैसे था और कैसे किया था सर। वर्डप्रेस बनाई थी ना सेम, कोई इशू नहीं है। पीएचपी का फोल्डर जैसे क्रिएट करते हैं, पहले फोल्डर क्रिएट किया पीएचपी 1 के नाम से, आप कोई भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं।
ये देखिए वर्डप्रेस के अंदर एक फोल्डर, इसके अंदर एग्जाम के अंदर एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है एजडॉक्स के अंदर पीएचपी 1 के नाम से, जो अपनी फाइल क्रिएट की है इसको पीएचपी 1 के अंदर सेव किया है। भाई पीएचपी 1 के अंदर जब सेव हो गया है तो मैं क्या टाइप करूंगा ब्राउजर में आके, लोकल होस्ट स्लैश पीएचपी 1। अच्छा मैंने सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम लिखा है, मुझे अपना पेज मिल गया है। क्यों मिल गया है पेज? पहले पेज का नाम index.php है। ये पीएचपी 1 पहले का फोल्डर उधर बना पड़ा है जी, ये फोल्डर बना के इसमें अपनी फाइल रखी है पीएचपी, ये फोल्डर बना के इसमें पीएचपी की फाइल रखी है। जिस तरह आप रीनेम करते थे वर्डप्रेस का फोल्डर, यहाँ पर बनाना होता है फोल्डर, बना के प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाया उसमें पीएचपी की फाइल रख दी। ये एचडीडॉक्स में है सर। बिल्कुल एचडीडॉक्स के अंदर। अच्छा index.php उसका नाम ना होता तो वो कभी भी एक्सेसिबल नहीं होनी थी। मैंने आपको बताया इंडेक्स को डायरेक्ट उठा लेता है सर्वर आपका, तो देखो आपने इंडेक्स ऊपर लिखा भी नहीं, पीएचपी से ही आपका इंडेक्स वाला फाइल उठ के सामने आ गया। आ जाए जी पीएचपी को आगे करें। पीएचपी में हम एचटीएमएल में, पीएचपी के साथ एचटीएमएल में हम क्या कर सकते हैं, एक चीज है यहाँ पर, पूरा यहाँ पर फॉर लूप चला के आप टेबल प्रिंट कर सकते हो, सारी चीजें वो मैं आपको करवाता हूँ अभी। मैं एक पेज पे जाता हूँ, बेसिकली जो पीएचपी काम करती है सिस्टम पे कर। क्रूड फंक्शनैलिटी, क्रूड CRUD, क्रूड C स्टैंड फॉर क्रिएट करना। पीएचपी की मदद से आप कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं, अपने एलिमेंट्स को, अपने कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। भाई जाकर डेटाबेस में सेव करवाना होता है बस, और कुछ भी नहीं, इंसर्ट करना, क्रिएट करना। एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, दो प्रोडक्ट ऐड हैं, आप जाएंगे डेटाबेस क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद अटैच करेंगे, आप फिर एक ऐसा डिज़ाइन बनाएंगे पीएचपी के अंदर, एचटीएमएल के अंदर, जिससे आपका डाटा थोड़ा जाके डेटाबेस में सेव हो, जिस पेज से जाके सारा डाटा सेव होना चाहिए। रिट्रीव करना, शो करवाना किसको भाई, डाटा को डेटाबेस के से लेके पेज में शो करवाना। आपकी जो इमेजेस, जो फेसबुक की पोस्टें, ये सारे डेटाबेस में पड़ी हुई है, आपने ऐड की हैं, वहां से आप ये शो करवा दी गई हैं आपके पेज में, ये शो हो रही हैं डायनामिकली। रिट्रीव का होता है शो करवाना डाटा, सेलेक्ट करवाना डाटा, अपडेट का होता है आपको डाटा को अपडेट करना है, एडिट करना। डिलीट, डाटा को डिलीट करना। अच्छा और शुरू करते हैं जल्दी से। क्रूड स्टैंड फॉर, आप कह लें जी क्रूड निकला है जी आपका क्रिएट रिट्रीव अपडेट डिलीट से, क्रिएट करना जिससे आप डाटा क्रिएट करते हो, डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करते हो, डाटा को डेटाबेस में भेजते हो। ऑनलाइन जो आपका एडमिशन फॉर्म होता है वो यही करता है, आपके फॉर्म से डाटा उठा कर डेटाबेस में भेज देता है, डाटा को क्रिएट करता है। आप प्रोडक्ट ऐड करते हो, यही तो उसका होता है कि प्रोडक्ट की सारी डिटेल लिखी और फिर इंटर कर दिया, चाहे डाटा आपका डाटाबेस में इंसर्ट हो जाए, इसको बोलते हैं डाटा की क्रिएशन, सारा डाटा क्रिएट करना। आप स्टूडेंट्स का बना रहे हैं एडमिशन फॉर्म या एडमिशन सिस्टम या कोई और सिस्टम, वहां पे आपको डाटा पहले क्रिएट करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स आएंगे एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे, फिर जाके वो डाटा वहां पर ऐड होगा।
रिट्रीव का है कि डाटा को रिट्रीव करना, शो करवाना, सेलेक्ट करके वहां से पेज में शो करवाना। अपडेट का वही शो किया गया डाटा नहीं पसंद, कोई मसला मसाइल उसको अपडेट कर दो, देन डाटा नहीं चाहिए तो इसको डिलीट कर दो। पूरे वेरिएबल, पूरा फॉर लूप, पूरी वो सारी व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप आप लगा सकती हैं, इफ एल्स की कंडीशन आप लगा सकती हैं, जिस तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने लगाई थी, वो सारे की सारा आप प्रोग्राम यहाँ पर बना सकते हैं, रन कर सकते हैं। लाइक देखिएगा, मैं डॉलर साइन के अंदर लिखता हूँ मॉर्निंग, इफ डॉलर साइन स्टेटस इक्वल टू मॉर्निंग, इको करवा दो, आप कर दें इसमें मॉर्निंग है तो कोई और स्टेटमेंट ही शो करवाना ना, ये दिस इज मॉर्निंग, कुछ भी आप शो करवा दो या फिर कोई और स्टेटमेंट ही शो करवानी ना। एल्स में आज स्टेटस इक्वल टू जो सिंगल इक्वल है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइन करता है राइट की वैल्यू को लेफ्ट के अंदर। जो डबल इक्वल है ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, चेक करता है कि दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों एक जैसे हैं, चेक करेगा, कंपेयर करेगा, इफ स्टेटस इक्वल टू इवनिंग इक्वल। Then else. Else. कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होगी? उठो तो सुबह हो गई है। कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट हुआ आपका? मॉर्निंग वाला। अगर यहां वही आगे चीज के इसको इसके साथ कंपेयर करें, कंपेयर करने के बाद वही एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दें, कोई एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हैं आप यहां पर। आप फॉर लूप चलाना चाहते हैं, फॉर लूप चला सकते हैं। इफ एल्स देख लिया आपने, यहां पे जब आप चेंज करोगे इवनिंग का स्टेटस, सॉरी यहां पर वेरिएबल में आपको ये आ जाएगा। अच्छा, हम कहते हैं स्टेटस आना चाहिए फॉर्म के थ्रू, सामने फॉर्म हो, स्टेटस सिलेक्ट करो, क्लिक करो, फिर आउटपुट आए। आई वांट दिस, हम ये चाहते हैं। अच्छा, ये समझ आ गई आपको इफ एल्स की, इसमें आप कैसे कर सकते हो। काम तो अभी शुरू होना है, काम तो अभी स्टार्ट होना है। ये तो आपको समझाया है कि पीएचपी में डॉलर साइन के साथ वेरिएबल डिफाइन करते हैं,
उसको वैल्यू असाइन करना, उसको कंपेयर करना, फॉर लूप लगाना. इट एवरीथिंग इज जस्ट लाइक जावास्क्रिप्ट. अच्छा, प्रोग्रामिंग है ना जो, इसका बिहेवियर हर लैंग्वेज के अंदर लॉजिक सेम होता है. इसका जो रनिंग का तरीका है वो सेम होता है, जो सिंटैक्स डिफरेंस होता है, सिंटैक्स का डिफरेंस होता है, बाकी सारी चीजें तकरीबन अपनी मतलब जो इसका लॉजिक है काम की नौयत कह लें वो सेम होगी. सेंटेंस जो आपका सेंटेक्स है वो डिफरेंट होगा. अच्छा जी, फॉर्म बनाते हैं एक, उस फॉर्म का डाटा डेटाबेस में इंसर्ट करके आपको दिखाता हूँ. एक फॉर्म है उसका डाटा डेटाबेस में इंसर्ट कैसे करेंगे भाई, क्यों करना होता है इंसर्ट, इंसर्शन की जरूरत क्या पड़ती है जब एक डायनेमिक वेबसाइट बनाते हैं. दिखाता हूं आपके सामने कि इंसर्शन क्यों बनानी होती है, डायनेमिक्स वेबसाइट कैसे काम करती है. दिखा देता हूं, लोकल होस्ट में आते हैं, ग्रिंड एंड गेन में आते हैं, एक वेबसाइट है. एल्बम्स, ये एल्बम्स में लिखे आ रहे हैं, बने आ रहे हैं यहाँ पर. हम चाहते हैं यहाँ पर कोई एल्बम ऐड करना, नेक्स्ट कोई एल्बम को ऐड करना. लोकल होस्ट पे हम ये चाहते हैं. ओहो, वेबसाइट से चीज याद आ गई मैंने खराब कर दी, चलो कोई बात नहीं, आ जाए ऐड करते हैं. ये एक वेबसाइट है, डायनेमिक वेबसाइट है. इसमें कुछ कंटेंट डायनेमिक है, कुछ स्टैटिक है. डायनेमिक कंटेंट होता है अपडेटेबल कंटेंट. ये इसके डायनेमिकली आ रहे हैं, ये इसके डायनेमिकली आ रहे हैं, ये इसके डायनेमिकली आ रहे हैं. और आ जाएँ. ये इसके ब्लॉग पोस्टें डायनेमिकली आ रही हैं. मैं ब्लॉग्स पर चला जाता हूँ, GNG ब्लॉग्स पर गया, ये ब्लॉग इसके डायनेमिकली आ रहे हैं सारे. लेफ्ट साइड को देख रहे हैं, सारे की सारी ब्लॉग की पोस्टें डायनेमिकली क्रिएट होके आ रही हैं. ये तो होगी वेबसाइट, ये तो यूजर जिससे इंटरेक्ट करता है वो वेबसाइट है. इंसर्शन की किधर जरूरत पड़ी आपको, दोनों साइडों पे पड़ सकती है, दोनों साइडों पे इंसर्शन की जरूरत पड़ सकती है. भाई दोनों साइडों कैसे, यहाँ पे आपने लॉगिन क्रिएट किया, आपने कहा यूजर खुद मैनेजमेंट कर सके. इंसर्शन का मतलब क्या होता है, फेसबुक की पोस्ट क्रिएट करते हो फेसबुक में लॉगिन करके, वो जब पोस्ट बनाते हो, इमेज सिलेक्ट करते हो, कैप्शन लिखते हो, वो इंसर्ट ही तो होती है डेटाबेस के अंदर. जो ही इंसर्ट होती है उसी टाइम पे वो शो भी हो जाती है फ्रंट एंड पे, आपको उसी वक्त ही शो हो जाती है कि आपकी पोस्ट ऐड हो चुकी है. सेम वही चीज यहाँ पर है. आप आ जाए, वो तो सेम पेज पे आप पोस्ट कर दो ना. आप आ जाए, मैं आपको लॉग इन करके दिखाता हूँ. ये लॉग इन किया, ये लॉग इन किया, जस्ट आप फेसबुक में जिस तरह लॉग इन करते हैं सेम उसी तरह लॉग इन है. ये लॉग इन करना, सब कुछ करके इसमें दिखाऊंगा. लॉगिन करते ही मेरी तस्वीर नजर आ गई, ये सर आ गई. ये मोर देन 2 लाख में मैंने बना के दी है वेबसाइट, 2 लाख से भी ज्यादा पैसों में. अच्छा जी, लॉगिन किया है, यहां से कोई मैसेज नहीं अभी, कोई नोटिफिकेशन नहीं अभी, कोई रिक्वेस्ट नहीं, कोई इनविटेशन नहीं अभी. पैसे कितने हैं, $35 है मेरे अकाउंट में, और ऐड करने हैं, मैं ऐड कर सकता हूं. यही तो इंसर्शन होती है. मैं ऐड करने पे आया, यहां पे अमाउंट सिलेक्ट करूंगा, कितनी ऐड करनी है, अपना कार्ड वगैरह इंटर करूंगा, पे करूंगा, मेरे अकाउंट में पैसे ऐड हो जाएंगे. $35 ऐड हैं, जीते मैंने कितने अभी तक, कुछ भी नहीं. मैं $10 हारा हुआ हूँ, 55 की मेरी अभी बेट लगी हुई है. ये बेट होता है, बिड होती है,
शर्त को बेट बोलते हैं। जी सर बेट बोलते हैं। ना क्लाइंट ने नोट किया ना मैंने। खैर बिड भी इसी तरह की कोई चीज होती है, मैंने बिड ही लिख दी है। ठीक है अच्छा, करंटली जो बिडिंग है वो $55 की मेरी चल रही है। मैं जीता अभी तक एक भी कॉल आउट नहीं हूँ, ये मेरी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। जो ही कोई भी एक्शन परफॉर्म करूंगा मेरी ये चीजें चेंज हो जाएंगी। मैं कुछ इंसर्ट करके दिखाता हूँ आपको, ये पूरी पूरी एक वेबसाइट है। मैं क्या एक्टिविटी स्ट्रीम में जाता हूँ, जिस तरह आप फेसबुक की पोस्ट क्रिएट करते हो, मैं जरा एक पोस्ट क्रिएट करके देता हूँ, दिखाता हूँ आपको, उसी तरह की एक्टिविटी होती है। दिस एंड दैट आई एम हेयर, ये होता है डाटा इंसर्ट करना। क्लिक किया डेटाबेस में, डाटा इंसर्ट हो जाएगा। ये यूजर इंसर्ट कर रहा है, जरूरी नहीं कि एडमिन पैनल में जाके इंसर्शन हो। इंसर्शन की नौयत है, यूजर को एक्सेस दिया है, यूजर का कुछ काम है, यूजर भी इंसर्ट कर सकता है। लाइक आपको लॉगिन फेसबुक ने बना के दिया है, पोस्ट करते हो, जब आप क्लिक करते हो, कैप्शन लिखते हो, अपनी पोस्ट डालते हो, बटन पे क्लिक करने के बाद डेटाबेस में डाटा इंसर्ट होता है आपकी प्रोफाइल के अगेंस्ट। मैंने लिखा दिस एंड दैट, अपलोड करना है, इमेज करना है, वीडियो करना है, ऑडियो करना है, क्या करना है, यूट्यूब का यूआरएल करना है, क्या करना है। मैंने कहा यूट्यूब का यूआरएल पोस्ट करना है। यूट्यूब पे चलता हूँ, कोई यहां से एक पोस्ट कर लेते हैं यूआरएल। URL कॉपी किया, यहां पर पेस्ट कर दिया। जो ही मैंने पेस्ट किया, देखो ऑटोमेटिकली उसने गेट कर लिया उसका, ये काम किया हुआ है। गेट करने के बाद उसका वो आ गया वहां पर, और यहां पर कोई राइट नेम कुछ भी लिखते हैं, एस एस माय कुछ भी लिखते हैं, फेव सॉन्ग कुछ भी, ये आप लिख सकते हैं। पोस्ट कर दिया मैंने, पोस्ट एड सक्सेसफुली का मैसेज आया। मैसेज आने के बाद आपको पोस्ट नजर आ गई है? जी सर आप आइए। ऐसे ही होता है फेसबुक के अंदर? जी सर जी। किसने पोस्ट की है? बिलाल नाम आ गया, टाइम आ गया जब पोस्ट हुई है। ओए टाइम गलत नहीं आ रहा? जी सर जी। टाइम नो, अमेरिका की है ना तो उसके लिहाज से टाइम आएगा। देखो 8:24 हो गए हैं यूएसए में, तो अमेरिका के लिहाज से टाइम आएगा। सुबह के 8:23 हो गए हैं उधर। कितने बजे? ये मेरा सॉन्ग है, शेयर करना है भाई, शेयर हो सकता है, कॉपी लिंक। मैंने इंसर्ट करके दिखाया डाटा, कमेंट करना, ये भी इंसर्शन है। कमेंट ही नहीं होता या डिसेबल है कुछ इस तरह का। इतना बड़ा सिस्टम है, इसमें कोई ना कोई एरर रह जाती है, ना क्लाइंट को पता चलती है ना मुझे पता चलता है। बेसिकली जब मैं यहाँ पर कमेंट करूंगा, मेरे एक अगेंस्ट कमेंट जाके रिजल्ट हो जाएगा, वो कमेंट ऊपर लिखा नजर भी आ जाएगा, वो कमेंट ऊपर लिखा नजर भी आ जाएगा। ये देखें ये कमेंट हुए हुए हैं ना, और
हो गया, रिप्लाई हो गया ना, कमेंट में कोई इशू होगा। देखिए अभी मैंने इंटर किया, रिप्लाई हो गया, वहाँ पे बिलाल ग्रेट लिखा आ गया। समझ आई आपको क्या हुआ? चूं ही मैंने लिखने के बाद इंटर किया, ये जाके इंसर्ट हो गया डाटा मेरे नाम के अगेंस्ट कमेंट्स में। अब मैं इस कमेंट को डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट पे क्लिक करूंगा, कमेंट डिलीट भी हो जाएगा। पोस्ट को शेयर करना चाहते हैं कहां पर, वो शेयर भी हो जाएगी पोस्ट आपकी। ये होती है इंसर्शन। मैं यूजर एज ए यूजर इंसर्ट कर रहा हूं, वेबसाइट का ओनर भी चीजें इंसर्ट कर सकता है। ये तो मैंने एज ए यूजर इंसर्ट किया है। इस पोस्ट को डिलीट कर देते हैं, पोस्ट डिलीट होगी, देख ले। ये तो मैंने एज ए यूजर इंसर्शन किया है, एडमिन पैनल भी इंसर्शन कर सकते हैं। देखिएगा, शेयर योर स्ट्रीम, स्ट्रीमिंग में चलते हैं। मेरी अभी तक कोई स्ट्रीमिंग नहीं सामने आ रही। स्क्रीन रीशेयर कर दें? जी मैं रीशेयर कर देता हूँ अभी। जैसा डिवाइस की प्लेस पे चेंज कर सर, मैं कर देता हूँ अभी, कर देता हूँ। तो मैंने तो लीव भी किया, मैंने कहा शायद मेरी तरफ ही कोई मसला हो। बोल देना था ना, बोल दिया। एक दफा ट्राई करें लीव करके, नहीं होता तो बोल दें आप। सिर्फ कंसेप्ट समझना है कि डाटा जो इंसर्शन है ना, क्रिएट करना डाटा, उसका मतलब है डाटा को इंसर्ट करना। यार जब आप वेबसाइट बना के देते हो डायनेमिक, अगले को खाली वेबसाइट देते हो, क्योंकि आपने उसको एक्सेस दी है कि यार ये जो कार्ड्स हैं सारे, ये जो प्रोडक्ट्स हैं सारी, आप खुद ऐड करोगे। मैंने तो टेम्परेरी ऐड करके दे दिए हैं, मैं डिलीट कर दूंगा इनको, आप खुद ऐड करें, ठीक है। लाइक ये सामने आपको अगर अभी दिखाऊंगा, सामने आपको एल्बम्स नजर आ रहे हैं यहाँ पर, पास कॉल आउट, ये सारी चीजें जो नजर आ रही हैं आपको, ये हो गया, ये हो गया, ये यूजर ने खुद ऐड किए। अगर वो एक और ऐड करना चाहता है, वो एक और ऐड कर सकता है। इसको बोलते हैं क्रिएट करना, इंसर्ट करना, डाटा क्रिएट करना, वो खुद क्रिएट करेगा डाटा। अब वेबसाइट का एडमिन दिखाता हूँ, वो था कोई यूजर लॉग इन होता है उसका एडमिन, वेबसाइट का एडमिन पैनल आपको दिखाता हूँ, वेबसाइट का एडमिन। इतना बड़ा इसका पैनल, फंक्शनैलिटी इसकी, कोई यूजर ऐड करना है, यूजर को कॉल आउट क्रिएट करना है, अकाउंट बनाना है, डिडक्ट बैलेंस, कुछ भी। मैं आपको एक कॉल आउट क्रिएट करके दिखाता हूँ, क्रिएट एंड ओपन कॉल आउट, इधर से ऐड करूंगा उधर आपको नजर आएगा। जी क्या कह रहे हैं उमर? सब इशू आ रहा है, सही सेंड नहीं आ रही इसकी, शायद मेरा नेट का इशू है या सब का है। जी सर, मेरा भी ऐसे, जी सर वैसे ही जैसे पहले थे। कोई नहीं, ठीक हुआ ये? नो सर, ठीक खाक होगा, जोंग चलाई हुई है और नेट कनेक्ट किया हुआ है कॉलेज वाला। वही ना, कॉलेज वाला नेट कनेक्टेड है तब से ही, उस जगह मैं डिवाइस की चेंज किए जा रहा हूँ। अभी ठीक होगा इंशाल्लाह, इसकी स्पीड अच्छी होती है। मैं रीशेयर कर देता हूँ, अभी इंशाल्लाह बेहतर होगा ये।
सर अभी नजर आ गई स्क्रीन, पहले तो आ ही नहीं रही थी, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, अभी आ रही थी। तो बोलना था ना, चलियो चलियो बोलना था। अच्छा जी, ये वेबसाइट का एडमिन पैनल है, जिस तरह वर्डप्रेस का एडमिन पैनल होता था वो वर्डप्रेस का था, ये खुद डिजाइन करना पड़ता है बेटा, पीएचपी में खुद बनाना पड़ता है, एचटीएमएल के अंदर डिजाइन करना पड़ता है, पीएचपी के अंदर इसका स्टाइल वो करना पड़ता है, फंक्शनैलिटी डालनी होती है। तो खैर ये डिजाइन तो नहीं करते हम, इतना विले नहीं है, ये नेट से उठाया गया पूरा डैशबोर्ड, चीज़ें इसकी देख के बस इसको अपने अकॉर्डिंग अपडेट किया है। अच्छा मैं आप लोगों को अब बता दूं, लोकल होस्ट पे वापस आते हैं, ग्रिंडर के इन वेबसाइट को ले लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, ये देखें ज्वाइन अ कॉल आउट्स, ये सारी कॉल आउट सारी है, मैं कॉल आउट एक ऐड करके दिखाऊंगा आपको। आप यहाँ से कॉल आउट ऐड करेंगे वहां पर शो हो जाएगी, ये होती है इंसर्शन। टेस्ट ई रोजगार, मेंबर कितने होने चाहिए, 6 मेंबर हों, अमाउंट हर बंदा $50 ऐड करे, जीतने वाले को मिलेगा $300। इसकी टाइप कर दें स्पेशल कॉल आउट, यूट्यूब का लिंक लोगों ने ऐड करना होगा, रूल है जी कोई भी रूल कर दो। प्लेस एन ओपन कॉल आउट, ओपन कॉल आउट इज प्लेस्ड सक्सेसफुली, शेयर इट टू गेट मेंबर्स। आप यहां से शेयर कर दें, कैंसिल कर दें, इनवाइट कर दें, किसी को करना है वो इनवाइट हो जाएगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूं, अपने आप को इनवाइट करता हूं। ये सिर्फ सारी इंसर्शन है, डाटा ऐड किया, डाटा इंसर्ट हो चुका है, इधर दिखाऊं डाटा, रिफ्रेश किया, टेस्टी रोजगार का डब्बा बना हुआ नजर आ गया सामने, ये सारा आ रहा है। स्पेशल कॉल आउट ही चुना था, जीतने वाले को 300 ही मिलने थे जी सर, यूट्यूब का लिंक ही था जी सर बिल्कुल। लेफ्ट साइड पे देखें, मेंबर 6 ही ज्वाइन की करवाए थे कि 6 ज्वाइन करें जी सर। डिटेल में क्या आ रहा है, अपनी मर्जी करो सारे रूल्स में, आपको ये लिखा नजर आ गया रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस, मतलब जो जो डाटा वहां से ऐड किया वो पेज में शो हो गया। ये होता है डायनेमिक कंटेंट, ये होता है डायनेमिक कंटेंट, जब चाहो ऐड कर दो, जब चाहो डिलीट कर दो, ठीक हो गया। अभी देखिएगा इनवाइट यूजर, मैंने इनवाइट किया, किसको इनवाइट करूं, बिलाल को इनवाइट किया, इधर से देखिएगा रिक्वेस्ट आ गई है नीचे, जैसे आपको नोटिफिकेशन आता है जी सर आई है। जीएनजी ग्रिंडन गेन इनवाइट यू टू ज्वाइन एंड कॉल आउट, क्लिक करूंगा नोटिफिकेशन पे, वो कॉल आउट सेपरेट जगह पे मिल गई मुझे जी सर आ गई है। ये वर्किंग है, कैसे हुआ, वो इनविटेशन कॉल किया, ये इनविटेशन ने क्या किया, वहां पे जाके इंसर्ट कर दिया मेरे अगेंस्ट डाटा, जब इंसर्ट हो गया मैंने पेज रिफ्रेश किया तो मुझे मिल गया। कॉल आउट को ज्वाइन करना चाहता हूं, ज्वाइन किया, अमाउंट 50 है, 50 चेंज नहीं हो सकती क्योंकि उधर से 50 लिख के भेजी है, पोस्ट वीडियो का यूआरएल भेजो जो मुकाबले में शामिल करनी है वीडियो, आपने यूट्यूब से अपनी पसंदीदा वीडियो शामिल करें, 6 लोग शामिल करेंगे फिर वो क्रिएट होगा, फिर लोग आके पसंदीदा वीडियो को वोट करेंगे, जिसके वोट ज्यादा होंगे $300 उसको मिल जाएंगे। अब नहीं लिख सकते, जो एडमिन ने क्रिएट किए जितने पैसे उतने ही हो सकते हैं, ठीक है ओके जी सर। यहां पर सब लिखने के बाद कंफर्म करेंगे एक्सेप्टेंस, ये भी डेटा इंसर्ट होगा, इंसर्शन क्रिएशन होती है आपकी, सारा डेटा इंसर्ट होगा, इंसर्ट हो गया डेटा, ऐसे आपका सारा काम चलता। कैंसिल कर दें कॉल आउट, मुझे नहीं चाहिए, रीजन मांग रहा है क्यों कैंसिल करना है, कैंसिल ये रीजन लिख के कंटिन्यू करते हैं आप, यू हैज बीन कैंसल्ड, पढ़े क्या लिखा रहा है सामने मैसेज,
ओपन कॉल आउट इज नॉट इज गेस और मे बी कैंसल्ड या तो कैंसिल हो गई है या है ही नहीं। मेरा बच्चा इधर आके रिफ्रेश करो जरा, क्या कह रहा है? देयर इज नो एक मिनट, देयर इज नो एन ओपन कॉल आउट, कैंसिल कर दिया है। इसको होता है उसका स्टेटस अपडेट कर दिया है, पहले वो शो करवाने के काबिल थी, अब मैंने उसको कैंसिल कर दिया है, पीछे जाके उसका स्टेटस अपडेट हो गया है, वो कैंसल्ड में आ गई है। जब कैंसल्ड में जाके देखेंगे वहां पर शो हो रही होगी। ये चीज होती है अपडेट करना, किसी को पक्का ही डिलीट करना है, आप डिलीट कर सकते हैं। ये आपकी सर्च, सर्च क्या होता है? सिलेक्ट करके लाना डाटा, शो करवाना। ये क्रूड पड़ा है ना, क्रूड में क्या है? क्रिएट करना, इंसर्शन करना, डाटा को डेटाबेस में भेजना। रिट्रीव क्या था? जो भेज के यहां पर अगले पेज में शो हो गया था। रिट्रीव करना, डाटा को डेटाबेस से लेके आना, सिलेक्ट करना, शो करवाना डेटाबेस से लेके, पहले इंसर्ट किया फिर शो करवाया, देन आपको अपडेट करके दिखाया, उसका स्टेटस ही अपडेट हो गया, फिर लास्ट में उसको डिलीट भी कर सकते हैं आप। अच्छा, ये भी सिलेक्ट करवाना होता है, सर्च करते हो ना गूगल पे, जिस तरह आप यहाँ पे सर्च करो तो नीचे सर्च में लोग आ जाएंगे, किसी एक बंदे पे क्लिक करो, उस इंसान का आपको डाटा मिल जाएगा नीचे, ये होती है सर्च। कोई नहीं पैसा, कोई कॉल आउट नहीं, सारा स्टेटस आपको यहाँ पर इसका मिल जाएगा। मैं GNG को सर्च करता हूँ, इसका सारा स्टेटस आपको मिल जाएगा। ये इसने सारी पोस्टें की हैं व्हाट्सएप GNG, ये इसकी पोस्ट है, ये इसकी स्ट्रीमिंग है, यहाँ पर ये देखें व्यूज आ रहे हैं, कितने कितने लोगों ने व्यू किए हैं। चैलेंज ऐड करके दिखाइए एक चीज आपको, फिर अपडेट करके डिलीट करके भी दिखा देता हूँ। हम आते हैं ब्लॉगिंग में, ब्लॉग देख रहे हैं, ये है ब्लॉग, हम आगे ब्लॉग, मैंने जो भी इसने टाइटल लिखा है वो पोस्ट आपकी आ गई यहाँ पर। मैं ऊपर आता हूँ, ब्लॉग में आता हूँ, क्या लिखा आ रहा है? ऐड ब्लॉग पोस्ट। इसका मतलब क्या? क्रिएट करो, ऐड करो, इंसर्ट करो, न्यू बनाओ ब्लॉग की पोस्ट। जैसे ऐड प्रोडक्ट करते थे, प्रोडक्ट इंसर्ट होता था, फिर प्रोडक्ट को व्यू भी करते थे, व्यू दो जगह पे, एडमिन पैनल में भी व्यू कर सकते हो। एडमिन पैनल में व्यू इसलिए करना कि एडमिन देखना चाहता है मैंने कोई प्रोडक्ट गलत तो नहीं इंटर कर दी, मैंने कोई उसमें प्राइस वगैरह तो नहीं गलत इंटर कर दी, कोई डिटेल तो नहीं गलत इंटर कर दी। यूजर को वो और तरीके से शो होगी, जिस तरह भी शो डिजाइन करवाएंगे उस तरह शो हो जाएगी। प्रोडक्ट इमेज इधर करते हैं, टेक्स्ट इधर करते हैं, डिजाइन आपको पता है आप कैसे करवाते हैं। मैं यहां पर आता हूं, ऐड ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करता हूं, ये मेरी पोस्ट है, न्यू रिलीजेस इसकी कैटेगरी रख दें, इसका कंटेंट डाल दें, दिस एंड दैट फलां फलां, कुछ भी, लिप्सम पे जाएं, लिप्सम फेंक दे। अनाउंसमेंट है कोई? यस, इमेज कोई अपलोड करनी है? बिल्कुल अपलोड करनी है।
मेटा डिस्क्रिप्शन और इसको छोड़ दे, पोस्ट कर दे। पोस्ट एडेड सक्सेसफुली, ब्लॉग में आके रिफ्रेश करें। पोस्ट आपको ब्लॉग की नजर आ गई है? जी सर आ गई है, टॉप पे नजर आ गई है ना? जी सर जी। एक यहाँ पे शो करवाई है, वो सेम इंसर्ट हुआ हुआ डाटा होम पेज पे भी मैंने शो करवाया होगा, देख लेना। यहाँ पर भी नजर आ रही है? जी सर। लेकिन सर वो नहीं नजर आ रहे, वो यार इसने कोई कलर का कोई इस तरह का मसला किया है, क्यों नहीं लग रहा है? कलर वाइट, कलर वाइट कर दिया है शहजादे। ये फिर काफ़ी अरसा मैं फ्री नहीं था, किसी से भी काम करवाता रहे, मतलब किसी से काम करवाने का मतलब ये नहीं कि उसने गलत कर दिया है, किसी एक जगह पे उसने ठीक किया होगा फिर उसका अफेक्ट किसी दूसरी जगह पे होगा। यस सर, वो साथ वाले पे उसकी वाइट है सर, वो कलर टेक्स्ट का। अच्छा जी, अनाउंसमेंट थी ये जो आ रही है यहाँ, इस अनाउंसमेंट को कुछ अपडेट करना चाहते हैं या ब्लॉग की पोस्ट को अपडेट करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप अपडेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप देखो ये मेरी पोस्ट है, ये टेक्स्ट है, नीचे इमेज है। मैं एडमिन पैनल में मैंने कहा ओहो गलत पोस्ट ऐड कर दिया भाई, ब्लॉग में जाऊँगा, व्यू ब्लॉग करूँगा। पोस्टें सारी नजर आ रही हैं आपको जिस तरह वो प्रोडक्ट नजर आया करती थी? जी सर, क्योंकि सर हमने तो एक पोस्ट अपलोड की है, ये तो सब नजर आ रही है, दो दूसरों ने की हुई है। आपके जो पहले दूसरों ने, किसने? एडमिन पैनल है, एडमिन ऐड कर रहा है, एज ए यूजर नहीं ऐड की, एडमिन ने सारी ऐड की हुई है, जो पहले की ऐड की है वो भी शो हो रही है। आप अपडेट करना चाहते हैं इस पोस्ट को, ऐसे आ जाए, क्या लिखा आ रहा? अपडेट, नीचे कंटेंट चेंज कर दो, सिर्फ ओके ओके लिख दो, सॉरी डाल दो, पिक्चर को चेंज करना है पिक्चर को चेंज कर दो, यहाँ पर पोस्ट कर दो, अपडेट कर दो। आपका ये सामने सारा नजर आ जाएगा कंटेंट, जो टाइटल था, पिक्चर चेंज होगी, ओके ओके लिखा आ गया। आप होम पेज पे चले जाएं, होम पेज पे आ जाए, ये देखिए मैं सिगरेट नहीं पीता भाई, तस्वीर बनवाई है। अच्छा जी, ये आपका आ गया, सारा कंटेंट डायनेमिक हो गया, अपडेट कर सकते हैं उसको। अब इसको डिलीट करना है क्योंकि यही डेटाबेस वापस जानी है क्लाइंट के, ये डिलीट कर दिया, इधर आके अपडेट करें। जैसे ही उधर से डिलीट किया, यहाँ से भाई आपको नजर नहीं आए, वो नजर नहीं आई, कहीं पर भी नजर नहीं आई। जी सर वो डल हो गया सर, वो एक पेज पे चले जाए, वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरह आपका सारा काम होगा। आ जाएं, एक पेज फॉर्म बनाते हैं छोटा सा, उससे आपको मैं डाटा इंसर्ट करके फिर उसी डाटा को शो करके दिखाता हूँ, ठीक है?
पहले इंसर्ट करना देख लें, शो बाद में देख लेंगे क्योंकि लंबा काम होगा। लोकल होस्ट पे, लोकल होस्ट पीएचपी पे काम आप कर रहे हैं तो उधर जो लाइव है वेबसाइट, ये दोनों पे इकट्ठी चैनिंग हो जाती है। इस तरह क्या होगा वो, जैसे सर ये वेबसाइट लाइव है ना किसी होस्टिंग पे, मतलब आप यहां से चैनिंग कर रहे हैं तो उधर भी हो रही है जैसे आप कह रहे हैं वो, उसको पता नहीं। नहीं ये तो लोकल होस्ट पे होगी, लेकिन मैंने ये डेटाबेस वापस देनी है उसको जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, उधर जो नेट पे पड़ी होगी वो लाइव पड़ी है, उसमें अभी अपडेट तो नहीं ना हुआ। काम तो मैं लोकल होस्ट पे कर रहा हूँ, फिर जाके मैं नई डेटाबेस अपलोड करूंगा और नई फाइलें अपलोड करूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मैं उधर भेजनी है मैंने दोबारा। अच्छा अच्छा आज स्टार्ट करते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं, जिस तरह का मर्जी डाटा होगा इंसर्शन फॉर्म से ही होगी, सिर्फ फॉर्म अच्छा सा डिजाइन कर लीजिएगा। ऐड स्टूडेंट का, एडमिशन का, स्टूडेंट के एडमिशन का फॉर्म बनाना है, अच्छा सा डिजाइन कीजिएगा, ठीक है? ओके बस, मतलब सर जो भी ऐड करना वो फॉर्म के जरिए होगा सर? फॉर्म के जरिए होगा, बिना फॉर्म के नहीं होगा। हम करते हैं ना, यहाँ से फॉर्म उठा लेते हैं, वो ई उसमें जाते हैं, जो हम करते रहे हैं वो कब काम आएंगे हमारे, जो हम बनाते रहे हैं फॉर्म, वो भी से बना बनाया फॉर्म आ जाएगा, टाइम बच जाएगा फॉर्म डिज़ाइन करने का, ऐसे ही है ना? जी सर, जी जी, टाइम बच जाएगा फॉर्म डिज़ाइन करने का जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में फॉर्म से चलता है, गेटिंग में नहीं, इसे पिछली क्लास में होगा तो नेट से ले ले, हमें भी पता चल जाएगा। नेट से ले लेते हैं कोई फॉर्म यार, ठीक हो। कैसे लेना है जी? नेट से ले, यहाँ पर आज टेम्पलेट HTML, ये बूटस्ट्रैप का क्लिक कर दें। पहले दूसरी वेबसाइट पर चले जाएं, ये देखिए कितने अच्छे अच्छे फॉर्म आ रहे हैं आपके सामने, है ना? जी सर जी, इनमें से कोई एक फॉर्म ले लेते, यहाँ पे देख लें। फॉर्म आ गया जी सर, ये कमाल से, ये मजे का आ जाए। इसका HTML उठाना है, सारा कुछ कॉपी कर ले, कॉपी करके मेरा बेटा अपने HTML में रख दिया। ये देखो ना HTML लिखा हुआ था, HTML लिखा हुआ है? जी जी सर, आ रहा सारा HTML CSS में गए, सारा CSS उठा लिया। CSS कहाँ पे रखना है? न्यू फाइल बनाओ, उसमें सारी CSS रखो, सेव कर दो, नाम दे दो स्टाइल .css का .css, PHP में ही सेव कर दी, सेव हो गया। हेड में आके देखो, स्टाइल ही नाम है CSS का, ये बूटस्ट्रैप आ गई, ये आ गई, ये आ गई। अब अपने इसको एक्सेस करो, लोकल होस्ट फॉर्म अभी सही नहीं आएगा डिज़ाइन, क्योंकि CS आपकी जो कनेक्ट नहीं हुई, ना ही हमारे पास पूरी इसकी, इसको डाउनलोड करते हैं। तो नहीं है,
यार हमने HTML तो लगाया ही नहीं। ये देखो क्या लिखा है, include the above in your head tag, हमने बनाया नहीं HTML तो लगाया ही नहीं कुछ भी, और लगाई वो लगा लगाया हमने डिलीट कर दिया। आज वापस आए उधर, पहले इन तीनों फाइल्स को अपने हेड में रख दो। हेड में आ जाएंगी, फिर अपने पूरी ये फाइल उठा के लास्ट से चलेगी। कॉपी करने लास्ट बॉडी में रखवाते हैं, वो हेड में आ गया, ये बॉडी में आ गया, बॉडी में आ गया, साथ में स्टाइल पड़ी है हेड में, स्टाइल की फाइल को भी लिंक कर दें। लिंक करें, एज रेफरेंस दें स्टाइल डॉट सी एस एस, इसके साथ रिलेशन है स्टाइल शीट। स्टाइल शीट हम बन के आ गया उसी तरह का जी सर। नेम, ईमेल, पासवर्ड, जो जो चीजें मतलब हैं यहाँ पर वो लिख के रजिस्टर के बटन पे क्लिक होगा, डाटा सबमिट होना चाहिए, डाटा डेटाबेस में नजर आना चाहिए हमें, ऐसा ही होना चाहिए जी सर जी। अच्छा, बाकी और तो नहीं कोई फॉर्म, अगर कोई फॉर्म डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से कर सकते थे, आपने सिर्फ टाइप किया टेम्पलेट्स, फॉर्म के टेम्पलेट आ गए, सीधे सीधे डाउनलोड करोगे और डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है जी सर जी। ये फॉर्म भी अच्छा लग रहा है रजिस्ट्रेशन, इसका प्रीव्यू देख सकते हो, फिर इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, ये कैसा नज़र आएगा ये देखो, ये कितना अच्छा लग रहा है। सारा फिल करो, फिल करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करो, आपका डाटा सबमिट हो जाएगा। चलो अभी जो हमने कर लिया उसी में काम करते हैं आज। अच्छा, HTML आपकी सारी हो गई है, अब हमने PHP करनी है। HTML में काम क्या करना है बेसिकली, HTML में हर फील्ड को एक नाम देना है, ये जो आपकी फील्ड है हर फील्ड को, टेक्स्ट फील्ड को एक नाम देना है। ठीक है, हर टेक्स्ट फील्ड को एक नाम देना है आपने। नाम देंगे, यहाँ पर आते हैं अप्लाई एज एम्प्लॉय, पहली फील्ड बनी टेक्स्ट की, फर्स्ट नेम चाहिए, वैल्यू इसमें आएगी नेम, लिख दें इसका txt name, जिस तरह id देते थे ना उसी तरह name देना है। php में txtf name से आप कॉल करते हो। सबसे पहले एक चीज आपने याद रखनी है, जब भी आपने फॉर्म बनाना है, ये तो बना बनाया फॉर्म था ना, जब हमने फॉर्म बनाना है फॉर्म में आके दो चीजें डिफाइन करनी है, फॉर्म कहां से स्टार्ट हो रहा है। अक्कल वालों ने फॉर्म का डिजाइन बना दिया, फॉर्म का एलिमेंट कहीं पर भी नहीं ऐड किया मेरे ख्याल में, देख लेते हैं, देख बिल्कुल भी फॉर्म का एलिमेंट नहीं ऐड किया। अब यहाँ कहीं हम फॉर्म का एलिमेंट ऐड करते हैं, डिव टैब कंटेंट, ये टैब कहाँ तक चलेगी, यहाँ तक चलिए, इसमें तो दोनों फॉर्म्स आ गए हैं, हमने फॉर्म ऐड करना है एक, ये दो फॉर्म है, मैं आपको दिखाता हूँ दो कैसे हैं, एक इसका है, एक अर्लियर का, एक एम्प्लॉय का, एक हायर ईयर का, एक इसका। फॉर्म आपको उठाना आ गया एक दफा, मैं फॉर्म क्रिएट करके आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी ये फॉर्म उठाना आ गया ना जी सर जी। हाँ, अभी ना इसको इस्तेमाल करें क्योंकि मैं आपको चीजें समझानी है, मैं आप दोबारा से वापस चलता हूँ अपने काम की तरफ। यहाँ तक समझ आ गई, मैंने वापस कर दिया वो फॉर्म सारा। ठीक है जी सर, उठाने का तरीका बता दिया। यहाँ पर फॉर्म क्रिएट करना होता है आपने सीधा आके, पहले फॉर्म क्रिएट करें, डिजाइन आप लोग बना लीजिएगा। फॉर्म, फॉर्म में आपने दो चीजें डिफाइन करनी है, वो क्या क्या दो चीजें हैं, एक एक्शन, क्या चीजें डिफाइन करनी है फॉर्म में, एक एक्शन है,
दूसरा मेथड है। अब ये एक्शन क्या है और मेथड क्या है? एक्शन आपके उस पेज का नाम है जिस पेज पे आप पीएचपी का कोड करोगे। इस पेज में मैं कहता हूं मैं एचटीएमएल कर रहा हूं, एक नया पेज बनाऊंगा उसमें मैं पीएचपी करूंगा, तो उस पेज का एक्शन लिखना पड़ेगा मुझे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सेम पेज में ही पीएचपी कर देते हैं, तो एक्शन फिर सेम पेज का ही नाम हो जाता है। अभी मैं डिफरेंट दो पेजेस से काम करके दिखाऊंगा, फिर उससे एक पेज में काम करके दिखाऊंगा, दो पेजेस में फिर एक पेज में। अभी दो पेजेस में करके दिखाता हूं। फाइल का नाम है index.php, इसका होना चाहिए था नाम insert.php, वो फॉर्म को वैसे ही कर देते हैं वापस, insert.php इसका नाम रखते हैं, या इसको index से भी आपको समझ आ जाएगी कि insert नाम है इसका। फॉर्म आ गया, एक्शन आ गया, ये दो चीजें डिफाइन कर दी। एक्शन क्या, insert.php, एक्शन में डिफाइन कर दिया insert.php। इंसर्ट की एक फाइल बनाऊंगा, अभी बनाई नहीं, उस फाइल का नाम होगा insert.php, उस पेज पे जाओ। मेथड दो तरह के होते हैं, पोस्ट या गेट। मेथड या तो गेट होगा या पोस्ट होगा। मैं पिछली का जो रिकॉर्डिंग हो गया लिंक सेंड कर दूं बच्चे को ताकि वो अपलोड करे, आपको जल्दी मिल जाएगी ना। मैं शेयर दोबारा रीशेयर मैं करता हूँ, रीशेयर बाकियों से भी पूछ ले। बाकियों को स्क्रीन सही नजर आ रही थी या बैड क्वालिटी था? जी सर ठीक आ रही थी। बाकी ईमेल्स बोला करें आप ही। इंट्रोडक्शन टू द पीएचपी कर दो ना, इसका ना मुजम्मिल टाइटल। अच्छा अच्छा मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। एक्शन insert.php जिस पेज पे आपने कोड करना है पीएचपी का, अगर सेम पेज होगा तो यहाँ पर सेम पेज का नाम लिख देंगे index.php, या पेज का नाम लिखेंगे ही नहीं तो वो तब भी समझ जाएगा कि ये सेम पेज है। मेथड दो तरह के होते हैं, ये पोस्ट होता है या गेट होता है। पोस्ट मेथड आपका यूआरएल में कुछ नहीं शो करवाता, यहाँ पर कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं शो करवाता जब आप मेथड पोस्ट करते हो, भी करके दिखाऊंगा। जब आप मेथड गेट करोगे तो यहाँ पर यूआरएल में इंफॉर्मेशन शो करवाएगा। बाकियों को सही नजर आ रहा है भाई, बाकियों को सही नजर आ रहा है। मैंने मेथड को पोस्ट कर दिया। अब मैं फॉर्म डिजाइन करता हूं। यहां पर मैंने कहा जी फॉर्म बनाओ, यार अपना माइक बंद कर लो, किसका माइक आ। उमर अपना माइक बंद करो। टिव क्लास फॉर्म ग्रुप, टिव को करो क्लोज, फॉर्म ग्रुप में लगाओ लेबल, लेबल को करो क्लोज, लेबल में लिखो इंटर योर नेम, इनपुट में आओ टाइप टेक्स्ट क्लास,
इनपुट टाइप टेक्स्ट अभी तक कर दें, और सीएसएस की फाइल को ओपन कर लें, स्टाइल लगाना है आपने, स्टैरिक लगाएं पहले तो, पैडिंग मार्जिन जीरो करें, बुला लें डॉट फॉर्म ग्रुप को, पहले तो फॉर्म को बुलाएं ना, फॉर्म को क्लास दें कोई माय फॉर्म की, विड्थ दे दें इसको 600px, हाइट दे दें 400px, बैकग्राउंड दे दें सर वो पैडिंग 0px कर दें सर। ओके ये आपका फॉर्म आ गया, दोनों सीएसएस को अटैच कर दें हेड के अंदर, लिंक करें, रेफरेंस दें फाइल का, क्या नाम है फाइल डॉट सीएसएस, पेज के साथ रिलेशन है इसका स्टाइल्स, मार्जिन जीरो ऑटो कर दें, फॉर्म ग्रुप का करो, ये पूरा एक ग्रुप है जिसमें लेबल और वो आ रहा है उसका बनाओ, पैडिंग दे दो 10 पिक्सल की, बॉक्स साइजिंग दो, बॉर्डर माइनस बॉक्स कर दो, एलिवेशन पैडिंग, आ जाए फिर आपका लेबल आ जाएगा, लेबल को डिस्प्ले ब्लॉक करें, कोई क्लास देने की ज़रूरत नहीं है, ब्लॉक हो जाएगा लेबल, देखो ब्लॉक हो गया, फिर आपका फॉर्म कंट्रोल आ जाएगा जिसको इनपुट बोलते हैं, सिर्फ इनपुट लिख दें इसका नाम, इनपुट बुलाएं, विड्थ कर दें 100%, हाइट 35px, बैकग्राउंड जैसा देना है आप दे दें ग्रे सा या हैश दे दें 6666, इस तरह कलर वाइट कर दें, नहीं तो भाई ऐसा कर दें और ग्रे तरह का आ जाएगा, नहीं तो भाई बैकग्राउंड दे ही ना वाइट रखें, बॉर्डर जीरो कर दें, बॉर्डर माइनस रेडियस कर दें, ये जो ऊपर आउटलाइन आती है आउटलाइन को यहाँ पर जीरो कर दें, आउटलाइन नहीं आएगी, फॉन्ट फैमिली लगाएं, आज जबानी लिखे हैं सारे गलत ही है, फिर भी MONTES MONTES RRTE, MONTES RRTE, ये है मेरे सर, MONTES RRTE पत्नी कब से यूज कर रहा हूँ लेकिन मुझे याद नहीं, सर जी लेबल आ गया, लेबल का फॉन्ट साइज कर दें आप 20px, फॉन्ट वेट जो है फॉन्ट वेट वो कर दें आप VIGST वेट कर दें 500, और मार्जिन बॉटम दे दें इसको कोई 10px,
फॉर्म आपका आ गया एंटर नेम। अब आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं, कॉपी पेस्ट चलना है आपका, नेम आ गया, इंटर ईमेल आ गया, इंटर फोन आ गया, सेलेक्ट कंट्री आ गया या सिटी आ गया, यहाँ पे फिर सेलेक्ट बॉक्स आ जाएगा। आपका सेलेक्ट नहीं ठीक बना, आराम से आए, इनपुट के बाद ग्रुप सेलेक्ट कर दें, एस एल ए सी टी लो जी, यही सेम डिज़ाइन सेलेक्ट पे भी लग जाएगी, वो भी आपका लग गया। और फॉर्म को बड़ा कर दें, जेंडर भी आ जाएगा आपका, इनपुट टाइप रेडियो, इसके साथ लेबल आ जाएगा, लेबल आ जाएगा फीमेल, ये काम खराब करेगा थोड़ा सा। क्या करते हैं, फॉर्म में आते हैं, फॉर्म की हाइट को ऑटो कर देते हैं, जितना फॉर्म बड़ा होगा कंटेंट आएगा उतना बड़ा होगा। अच्छा, आपका लेबल सही तरीके से नहीं आया, तो अब क्या करें, अब फिर एक काम करें, ये लेबल की तो ज़रूरत है हमें, अब काम करें जो आपका बड़ा लेबल है ना उसको नाम दे दें, उसको क्लास दे दें कोई LBL की, जिन पे वो डिज़ाइन लगाना चाहते हो उस हर लेबल को LBL का क्लास दे दो, LBL का, ताकि इस क्लास को उधर बुला सको, इन दो लेबल्स को LBL का क्लास ना देना, डॉट LBL की रिपोर्ट में हो गया काम, लेकिन आपका इनपुट ये देखो, इनपुट तो ब्लॉक आ रहा है, वो विड्थ लेके वो सब कुछ लेके आ रहा है 100%, वो सब कुछ यानी कि इसको भी सेट करते हैं, क्या करें। एक चीज़ आपको बताई थी यहाँ पर कि हम एलिमेंट को उसके एट्रीब्यूट की बेस पे भी बुला सकते हैं, टाइप वो इनपुट जिसकी टाइप टेक्स्ट है, देख रहे हैं, क्लास देने की भी जरूरत नहीं पड़ी, समझ आ गई आपको, क्लास देने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो इनपुट जिसकी टाइप टेक्स्ट है वो इस इन सिर्फ टाइप टेक्स्ट पे लगे, बाकी टाइप रेडियो पे ना लगे। सेम ये हो गया, आ जाए इधर, अभी ये तीन टेक्स्ट एरिया ले लें, टेक्स्ट एरिया
इधर फिर टेक्स्ट एरिया आएगा। इसको भी इधर बुला ले बेटे, नाम से ही बुला लिया, विड्थ 100%, हाइट 200 px। आपका टेक्स्ट एरिया देख रहे हो? जी सर। पूरे का पूरा आपका फार्म आ जाएगा। फार्म को करना है बड़ा, बिल्कुल कर सकते हैं। फार्म की विड्थ जो है ना 400 क्यू है, इसको भाई 800 कर दो, 800 हो जाएगी। अब फार्म नीचे जा रहा है, कर सकते हैं, मतलब क्या करें, जो फार्म ग्रुप है इसकी विड्थ 50% कर दो, विड्थ 50% होगी। जब 50% हुई तो फ्लोट लेफ्ट भी देना है आपको, पता है, नहीं तो वो नीचे ही रहेंगे 50% से। देख रहे हो, फ्लोट लेफ्ट दे दें, लो मेरा बेटा वो एक लाइन में आ जाएंगे। क्या गलत हो गया, गलत ठीक है, आई टाटो ओवरफ्लो हिडन करके दे। हो गया जी आपका काम ठीक? जी सर। हाँ अच्छा हो गया जी सर। जेंडर के नीचे एक बटन लगा, जेंडर वाले ग्रुप में अब जाते हो, या तो इन सब के बाद में लगा सकते हो, वो भी कर सकते हो, या सिर्फ जेंडर वाले में लगा दो आप। आओ इधर लगाते हैं लास्ट, कोई इशू नहीं। इनपुट टाइप सब वैल्यू रजिस्टर लिखा हो, लॉग साइन अप लिखा हो, इसका मतलब होता है डाटा इंसर्ट करना। रजिस्टर का बटन आगे, ये अगर बटन आप चाहते हो इस इनपुट बाद लगाना, बी आर सी आर दे लो यहाँ पे 3-4, इधर लगा दो आपका बटन उधर आ जाएगा, इस इनपुट को डिजाइन दे लो। इनपुट टाइप बटन, जिस इनपुट की टाइप बटन है, और सॉरी सबमिट है, इनपुट टाइप सबमिट, कर दो आप सर। तरीके से और क्या बुला सकते हैं? ये इनपुट बुलाइए ना, जैसे बड़ी ब्रैकेट के अंदर, तो और एज एन एग्जांपल कोई और चीज़, अगर कोई और टैग इस तरह बुला सकते हैं जैसे अभी आपने कहा दिया ये सर, ये बिल्कुल इनपुट, तो भाई आप और एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर लो ना, किसी का और एट्रीब्यूट क्लास भी होता है, जिस तरह वैल्यू एट्रीब्यूट है, जिसकी वैल्यू रजिस्टर है, जिसकी क्लास फार्म ग्रुप है, आप कॉल कर सकते हो। इधर इधर लिखो वैल्यू, इधर लिखो वैल्यू, इधर लिख दो सबमिट, जो भी वैल्यू हो गया वैल्यू के बेस पे, किसी भी एट्रीब्यूट की बेस पे आप कॉल कर सकते हो। मतलब नई क्लास मुझको सारी, मुझे जो नई क्लास देनी थी ना वो मुश्किल आ रही थी 7-8 को देनी, मैंने कहा ऐसे ऐसे इस नाम से। इस तरह का आपका बन गया है,
काम का डिजाइन बन गया। करना क्या है, इस पे जो भी लिखे हैं रजिस्टर करके डेटाबेस में जाना चाहिए। फिर डेटाबेस तो बना ही नहीं, बनाते हैं डेटाबेस आज। कैसे बनानी है, लोकल होस्ट स्लैश PHP माय एडमिन। ओहो PHP माय एडमिन, न्यू पर क्लिक करो। प्रोजेक्ट का नाम PHP 1 है, डेटाबेस भी PHP 1 के नाम से बना देता हूँ। न्यू पर क्लिक करो, PHP 1 के नाम से डेटाबेस क्रिएट हो। ये देखो अब यहाँ पर टेबल भी खुद बनाने पड़ेंगे। मैंने कहा यार ये स्टूडेंट का डाटा है, ये यूजर का डाटा है, जैसा भी है यहाँ पर आपको टेबल भी क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम रखें STD_data। स्टूडेंट का डाटा कितने कॉलम चाहिए, 1 2 3 4 5 6 कॉलम, ये सातवां ID। एक कॉलम ID होता है आपका हमेशा आइडेंटिफायर, यूनिक होगा पूरे टेबल के अंदर, जिसको कॉल करेंगे और आपका एग्जैक्ट रिजल्ट निकलेगा। आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी जिस तरह होती है आपके पूरे कॉलेज के अंदर, एक आईडी आपको साइन कर दी जाती है। आप एक बच्चा कोई छोड़ भी जाता है लेकिन उसकी आईडी किसी दूसरे को साइन नहीं की जाती, ये होती है यूनिक आइडेंटिफायर आईडी। यहां पर मैं रखूंगा पेज के अंदर, मैंने कहा 6 तो सीधे सीधे है, सातवां आईडी है। क्रिएट करो कॉलम, डेटाबेस बनाई, कॉलम क्रिएट कर दिया। पहले कॉलम का नाम रखें डेटाबेस के अंदर, आईडी इंटीजर है, इंटीजर ही होगा, लेंथ नहीं डिफाइन करते इंटीजर की। आते आते जरा यहां पर आ जाएंगे ऑटो इंक्रीमेंट। ये ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है, जैसे न्यू स्टूडेंट्स का एंटर होगा। बिल्कुल जैसे न्यू स्टूडेंट्स एंटर होंगे, आपकी आईडी खुद ब खुद इंक्रीज होती जाएगी। आप पीछे से नहीं भेजोगे आईडी, आपके टेबल में से खुद ब खुद जनरेट होगी। ऑटो इंक्रीमेंट कर दें, पहली आईडी को सिर्फ ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया। अब प्राइमरी की क्या होता है, सेकेंडरी की क्या होता है, ये थोड़ा डिटेल के साथ बाद में बताऊंगा जब डेटाबेस पे थोड़ी डिस्कस करेंगे। इसको ऑटो इंक्रीमेंट बना दिया। दूसरे कॉलम का नाम रखे, मैंने कहा नेम रखता हूं, नेम नाम रख दिया। ये क्या है, इंटीजर नंबर आएंगे नेम में, नहीं भी नेम में वारचार। भाई वारचार क्यों आएगा, टेक्स्ट क्यों नहीं आएगा, टेक्स्ट आपका टेक्स्ट कॉलम विद मैक्सिमम लेंथ ऑफ ये 65,000 इसकी लिखी हुई है जी। कैरेक्टर स्टोर्ड विद 2-byte प्रीफिक्स इंडिकेटिंग द लेंथ ऑफ द वैल्यू। तो आपने टेक्स्ट नहीं लेना, टेक्स्ट एक लंबा डिजिट हो, लंबा टेक्स्ट होगा तो फिर आप उसके लिए टेक्स्ट यूज करो, लाइक मैसेज डिटेल उसके लिए। नाम तो आपका छोटा सा होता है 8, 10, 12, 15 करेक्टर का, उसके लिए वार चार यूज करो। ये देखो अब वेरिएबल लेंथ 0 to 65, स्ट्रिंग द इफेक्टिव मैक्सिमम लेंथ इज सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम रो साइज, वार चार लेंथ डिफाइन कर दो 255, 10। नेम के बाद ईमेल मांगा है, आ जाए ईमेल में, ईमेल नाम लिखें, वार चार करें, वारचर के बाद 255। देन क्या चाहिए, फोन है, फोन लिखें, इंटीजर ही रहे, लेंथ डिफाइन कर दें 111 या सिर्फ 11 कर दें जैसे आपने कहा। जेंडर है और सॉरी सिटी है, सिटी लिखें कॉलम का नाम, वारचार लिखें, सेलेक्ट करें 255, क्योंकि सिटी का कितना लंबा नाम होगा, कुछ तो दुनिया भी एक सिटी का नाम था, वो भी इतना ज़्यादा लिख लें तो लंबा तो नहीं होगा ना, 255 करेक्टर तो नहीं ना क्रॉस करेगा, चीचावतनी लाहौर, ये तो छोटे छोटे नाम है, कोई बड़ा नाम भी होगा तो इतना लंबा नहीं होगा। उस दुनिया किसको कहते थे, किसी को पता है किस सिटी का नाम था ये, तुर्की को नहीं पता, तुर्की सर, तुर्की। अच्छा जी, यहां पर आप सिटी के बाद क्या आ जाएगा, जेंडर, कॉलम का नाम लिखे जेंडर, मेल या फीमेल 5 तो करेक्टर होते हैं। अच्छा,
तुर्की की कंट्री आ सिटी या कंट्री है मार्च और तुर्की सिटी या कंट्री है जेंडर यहां पर मार्च कंट्री है इस्तांबुल है इस्तांबुल को समझो मैं बिल्कुल इस्तांबुल को कहते जेंडर वारचर 255 कर दिया जेंडर के बाद लास्ट में क्या आ गया आपका एड्रेस ए डबल डी आर ई डबल एड्रेस आपका थोड़ा लंबा हो सकता है चक नंबर 95 एन बी मोजा दिस दैट कोई भी लंबा हो सकता है इसलिए इसको क्या कर दो टेक्स्ट कर दो ठीक है बाकी सारे जो नंबर थे इंटीजर हो गए जो आपके करेक्टर थे वारचर हो गए जो लंबा सा कंटेंट है उसको आप टेक्स्ट कर दो और इसको आप गो कर दो लास्ट में लिखा हो रहा था गो ये सेव लिखा पूरा टेबल आपका सेव हो गया डेटाबेस बनी डेटाबेस के अंदर एसटी डाटा के नाम से टेबल सेव हो गए अच्छा अच्छा अब हमने कहा कि यार डेटाबेस भी बन गया टेबल भी बन गया पीएचपी का फॉर्म भी रेडी हो गया क्या करें नमाज पढ़ें नमाज पढ़ते हैं इसके बाद आते हैं ठीक है ओके सर